17 है ना, 17 ट्राई करिए तो बाबू सब लोग, 17 क्वेश्चन ट्राई करिए एवरीवन। हैं बनाए हुए हैं, आंसर बोलिए। 1.2 एवर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, उसको टेस्ला बोलते हैं, ठीक है। और T1 कितना आया, मतलब कि N1 924 टन। बनाइए सब लोग तुरंत इस क्वेश्चन को बनाइए। देखिए क्वेश्चन देते ही सब भाग गया क्वेश्चन का नाम लेते ही सब गायब। फटाफट कुछ क्वेश्चंस है उसको देखिए। तो ट्रांसफॉर्मर का रख के देखिए तो बाबू अब आ जाएगा आपसे। देखिए आप कह रहे हैं कि नहीं हुआ, देखिए बाबू ध्यान दीजिए ना, आपका ये 33,000 दे रखा है ना, ठीक है, E1 का वैल्यू दे रखा है ना ये, ठीक है। और उसके बाद आपको सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर इज बिल्ड अप ऑन अ कोर हैविंग एन इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दे रखा है 125। इसका जो EMF का इक्वेशन होता है वो कितना होता है, इसके EMF का इक्वेशन फोर पॉइंट फोर फोर कितना होता है, φm into n, ठीक है ना, यही दिया हुआ है ना। तो देखिए जो आपका ये 4.44 है, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, f रखते हुए bm इंटू a लिख सकते हैं क्या, इंटू एन वन, बताइए कोई तकलीफ है क्या। अब यहां पर जो है आप पुट करके देखिए तो बन जाएगा, रखिए बनाए तो बाबू ठीक है। देखिए बाबू 3300/250 है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिए। तो 3300/250 जो दे रखा है ये कह रहा है बाबू कि आपका ये ट्रांसफॉर्मर है, दिस वन इज द ट्रांसफॉर्मर, जिसका कि ये क्या होगा प्राइमरी और ये क्या होगा सेकेंडरी। ये जो प्राइमरी है ना, प्राइमरी की तरफ 3300 वोल्ट है, कितना है बाबू 3300 वोल्ट है, ठीक है। और इसके तरफ सेकेंडरी पर क्या है आपको 250 वोल्ट है, बात समझ आ रही है ना। मतलब 3300 वोल्ट किधर है प्राइमरी तरफ और 250 वोल्ट किधर है सेकेंडरी तरफ, ऐसा है बाबू। एक्चुअली में ये क्या है E1 है दिया हुआ, कितना है E1 इतना, E2 कितना है 250 वोल्ट, समझ में आया क्या। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर इज बिल्ड अपॉन कोर हैविंग एन इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया दिया हुआ है कितना 125 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द 70 टर्न्स ऑन द लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो बताइए ये N2 दिया हुआ है कि N1 दिया हुआ है, अगर ये लो वोल्टेज लिख दिया है ये N2 है कि N1 है, क्या होगा N2 का है, क्या कि 250 वोल्ट क्या है बाबू लो वोल्ट है ना, वो क्या है हाई वोल्ट है। 250 वोल्ट आपका क्या, 250 वोल्ट के तरफ कितना टर्न्स दे दिया N2 आपका 70 टर्न्स दे दिया बाबू, है ना। तो अब आपको क्या कह रहा है कि ऑन द लो वोल्टेज वाइंडिंग कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। अब बताइए कि इसमें जो अब फॉर्मूला जो हम रखेंगे, अब फॉर्मूला जो हम रखेंगे E1 वाला, फॉर्मूला जो रखेंगे E1 वाला, ध्यान दीजिए, जो ये रखेंगे बाबू E इक्वल टू 4.44 F5 इंटू N, ठीक है ना। ये किसका रखेंगे, सेकेंडरी का कि प्राइमरी का, किसका सेकेंडरी का। तो E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.44
एफ फाइव इंटू एन टू, एफ को बाबू जो है फाइव को जो है हम क्या लिख सकते हैं बी इंटू ए, तो 4.44 इंटू एफ बी ए इंटू एन टू, बाकी इधर पट्टी क्या हो गया ई टू हो गया, ये जगह पे क्या रखा जाएगा 250 इंटू 4.44, एफ कितना 50, उसके बाद बी कितना दिया हुआ है और बी निकालना है, ये कितना दिया हुआ है 100 125, क्या हुआ 125 इंटू 10 टू पावर काहे बाबू का सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो निकालना क्या करना है उसको मीटर में, तो 125 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 4 और कितना हो जाएगा एन टू 72 देना बाबू 70 है, हाँ इस पर रख के देखिए तो बी का वैल्यू कितना आ रहा है, ये समझ में आ रहा है बाबू आपको, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 250 बटे 4.44 गुने 50 गुना 125 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 4 इंटू 70, बताइए कितना आ जाएगा इसका आंसर कितना 1.28 वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसी को क्या बोलते हैं बाबू टेस्ला, है ना। अगला क्वेश्चन बनाइए, तो बना रहे हैं बाबू किसी की एकदम दिमाग से उतार देते हैं, हाँ बी बताइए कितना हो जाएगा, कितना आ गया एन वन का वैल्यू, आसान है ना, सब से निकला कि नहीं, एन वन का वैल्यू निकाली तो बाबू सब कितना आया बाबू आपका आ नहीं रहा है, क्या हुआ दिक्कत क्या नहीं बन रहा है बाबू, कितना आ गया, ये ऑब्जेक्टिव बनाया है क्या, बना है ना, इसको भी डिस्कस कर देते हैं तुरंत कर ही देते हैं सबको, कहे कि छूटा जा रहा है, कितना सेकंड का कितना आंसर आया, अच्छा और क्या है वोल्टेज पैटर्न कितना आया बताइए, ये हो गया ना क्लियर हो गया ये, चलिए बताइए तो इसका डेंसिटी का वैल्यू निकल गया ये 924। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका कितना आंसर आया बाबू, बनाइए तो फट से तुरंत बनाइए, क्रॉस वाइंडिंग, ये क्या है क्रॉस वाइंडिंग, पच्चीस वोल्ट कितना आया ई टू का मान कितना 25 वोल्ट, और वोल्टेज पर टर्न कितना आया बाबू 0.125 वोल्ट है, बना बाबू सबसे काहे नहीं बना एकदम से, देखिए बाबू खाली जो है थ्योरेटिकल ला करके करने से, हाँ जो वोल्टेज पैटर्न दे रखा है वो अब जब तक आपको वो रेसिस्टिव वैल्यू नहीं देगा ना आप यही समझिए कि वो दोनों सेम ही है ना, चलिए ये आइडियलिटी की बात हो रही है ना बाबू, अभी तक आइडियल ट्रांसफॉर्मर में चल रहे हैं हम लोग तो आपको उसको कंसिडर नहीं करना है, बन रहा है ना सबसे, प्रयास तो करिए बाबू ऐसे ही जो है एकदम से, राज सूरज बनाइए बाबू इसको, राज सूरज कुमार 25 वोल्ट बहुत अच्छा, वोल्टेज पैटर्न बताइए कितना होगा वोल्टेज पैटर्न, अ ट्रांसफॉर्मर विथ 800 प्राइमरी टर्न्स एंड 200 सेकेंडरी टर्न्स, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है आपका, एक ट्रांसफॉर्मर है जो कि आपका ये है बाबू और इसका प्राइमरी टर्म्स कितना है बाबू ये N1 है ये, ठीक है ये N2 है, प्राइमरी टर्म्स कितना है 800, ये N1 कितना हो गया 800, N2 कितना हो गया 200, ठीक है और आगे क्या है
टर्न्स इज सप्लाइड फ्रॉम अ 100 वोल्ट एसी सप्लाई, 100 वोल्ट ये हो गया ना बाबू, आइडियल होगा तो वी वन ई वन के बराबर, तो आपको ई वन बराबर कितना दे दिया 100 वोल्ट, क्या हुआ 100 वोल्ट। कैलकुलेट द सेकेंडरी वोल्टेज एंड द वोल्टेज पर टर्न, बताइए इसका क्या फॉर्मूला बता रखे हैं, ई वन बटा ई टू बराबर एन वन बटा एन टू बता रखे हैं ना, ई वन कितना हो गया 100 और ई टू निकालना है, एन वन कितना हो गया 800 और एन टू 200, कट गया कट गया, दो दुना चार दुना आठ, और ई टू कितना हो गया, ई टू हो जाएगा 100/4 तो बच जाएगा 25 वोल्ट हो गया। अब आपको पूछ रहा है कि वोल्टेज पर टर्न कितना होगा, इसमें कोई दिक्कत है क्या, वोल्टेज पर टर्न कितना होगा। अच्छा एक बात बताइए, वोल्टेज वोल्टेज पर टर्न जो होगा वो चाहे आपका प्राइमरी साइड हो चाहे सेकेंडरी साइड हो, दोनों तरफ क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि वोल्टेज पर टर्न जब बराबर होता है वही आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एन वन के हिसाब से वो अपना वोल्टेज बड़ा करता है या फिर N2 के हिसाब से वो छोटा करता है, समझ आ रहा है क्या, जितना से मल्टीप्लाई कर देंगे वोल्टेज पर टर्न में उतना आपका प्राइमरी या सेकेंडरी का वोल्टेज हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, नहीं समझ में आया, N1 और N2 क्या है बाबू, N1 और N2 आपका टर्न है, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपका N1 आपका यहाँ कितना है 800 और N2 कितना है 200, बताइए कि N1 तरफ वोल्टेज जो होगा N2 तरफ कितना वोल्टेज, उससे कम होगा कि ज्यादा होगा, क्या होगा कम होगा, समझ आ रहा है ना, तो N2 तरफ वोल्टेज कम होगा, लेकिन काहे कम हो रहा है, काहे किसका टर्न्स कम है, टर्न्स कम है, समझ आ रहा है बाबू, तो टर्न्स कम है तो क्या है इसका मतलब, क्योंकि देखिए जो आपका फ्लक्स है, फ्लक्स को तो वही एक एक टर्न्स काट करता है ना बाबू, एक एक टर्न्स काट करता है ना, तो इसमें क्योंकि 800 टर्न कट करने वाला है, बशर्ते कि हर एक 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 टर्न में उतने वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है, समझ में आ रहा है क्या, ये समझ में आ रहा है क्या, तो आपका मान तो ये हमारा अगर पूछा जाए, देखिए 800 टर्न है बाबू और कितना वोल्ट है 100, तो पूछे आपसे कि 800 टर्न में 100 वोल्ट, तो एक टर्न में कितना वोल्ट, कितना वोल्ट 8 वोल्ट हो जाएगा, 8 ही ना होगा 100 बटे 800 होगा, बाकी 100 यही तो बोल रहे हैं 100/800 होगा बाबू, ये नहीं समझ आ रहा है क्या, 100 जो है वोल्ट बाबू किसमें है 800 टर्न में, तो 800 टर्न में अगर 100 वोल्ट है तो एक टर्न में कितना वोल्ट होगा 100/800, ये कितना हो जाएगा 1/8 वोल्ट हो गया, समझ आ रहा है क्या, एक टर्न में 1/8 वोल्ट है, ये चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, अगर 1/8 है आपका एक टर्न में तो 200 में कितना होगा, उसमें 200 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आया, ये क्या है मिला 25। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये क्वेश्चन देखिए तो तुरंत कितना आ गया 19.5, 4200 वाला है ना ये, अ ट्रांसफॉर्मर विथ एन आउटपुट वोल्टेज ऑफ 4200 वोल्ट इज सप्लाइड टू 230 वोल्ट इफ द सेकेंडरी हैज 2000 टर्न्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, ये तो सिंपल हो गया बाबू, कितना आया 109.52, कितना आया आपका, देखिए फिर से देखिए इसको, देखिए बाबू आपको जो है ना ये उल्टा करके लिख दिया है, तो आपका E2 कितना है 4200, E1 कितना है 230, और आपका जो सेकेंडरी टर्न्स कितना है 2000, समझ में आ रहा है ना, हो गया क्लियर है, बहुत सिंपल है ये ना, क्या हो गया यहाँ पर E2 आपका दिया हुआ है कितना 4200, E1 दिया हुआ है कितना 230, क्या लिखा है बाबू सप्लाइड एट, सप्लाइड कर रहे हैं 230 पर, 230 इफ द सेकेंडरी हैज, तो N2 कितना हो गया
2000, आपको क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्राइमरी, तो आपको क्या है E1 बटा N1 बराबर E2 बटा N2, तो E1 कितना है 230 बटा N1, N1 निकालना है, E2 कितना है बाबू 4200 और 2000, यहां से निकल गया ना N1 कितना निकला 109.5 टर्म्स है बाबू, है ना। चलिए कोई दिक्कत है इसमें, अगला क्वेश्चन बताइए। तो 7.57 ठीक है, 62.5 ठीक है, बताइए बना है बाबू, अब से बन गया, दुइये को बच्चा बनाएगा हो, बाकी सब काहे ला है, कम से कम यहां भी तो बनाइए, बनेगा ये 25 के भी का है ये, बताइए ये बनेगा क्वेश्चन, 2 मिनट लीजिए बताइए, बनाइए तो सब प्रयास करेंगे। ऑनलाइन वाले बाबू बताइए तो इसका क्वेश्चन का आंसर, पिछला वाला बना आपसे बना लिए, इसमें क्या दिक्कत हुआ, 25 KV है, अच्छा ये समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा 1 मिनट लेना समय लीजिए। हाँ टर्न्स निकालने बोल रहा है बाबू की, करंट निकालने बोल रहा है, पिछल के क्वेश्चन मैम है क्या अभी आप हैं, अच्छा वो मोटर वाला बना बाबू, मोटर वाला नहीं बना, ऑब्जेक्टिव में कौन सा नहीं बना उसे, क्या देखें क्वेश्चन, और बाकी बन गया ना, बहुत बढ़िया, क्या हुआ नहीं बन रहा, तुरंत दिखाइए, देखें कौन सा, व्हाट विल हैपन व्हेन द डीसी मोटर इज कनेक्टेड टू एसी सप्लाई, अच्छा ये सवाल, अच्छा कल तो पूछे ही थे ये ना, कल तो पूछे ही थे, तो ये इसका जवाब जो है आज मिल जाएगा, और कौन सा है 25 नहीं बना, व्हाट विल हैपन द 220 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर इज कनेक्टेड टू द, तो वही सवाल है बाबू है ना, तो सेम ही सवाल ना हो गया, कोई बात नहीं, और कौन सा 12, What will happen when the field of the DC shunt motor gets opened with the motor? ये तो सिंपल है बाबू, फील्ड ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो, फ्लक्स जीरो हो जाएगा, एन क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी अपॉन फाइव, फाइव जीरो हो गया एन, ई बी अपॉन फाइव ना बाबू, बटे फाइव, हाँ एन क्या हो जाएगा, फाइव जीरो होगा तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, डेंजरसली हाई स्पीड होगा ना, देख लीजिए उसको, उसको कैलकुलेट करेंगे। हाँ देखिए यहाँ पर हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो क्या है बाबू, देखिए ये हमारा ट्रांसफॉर्मर, ध्यान दीजिए ये ट्रांसफॉर्मर आपका कितना केवीए का है बताइए, 25 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है ये, 25 केवीए कहने का क्या मतलब हुआ, इसका पावर रेटिंग है ये, क्या है ये पावर रेटिंग है, मतलब 25 केवीए का ट्रांसफॉर्मर बाबू, ये 25 केवीए पावर जो है प्राइमरी से सेकेंडरी में क्या कर रहा होगा, ट्रांसफर कर रहा होगा, 25 केवीए प्राइमरी में भी मिलेगा, 25 केवीए सेकेंडरी में भी मिलेगा, ये क्या है केवीए, के का मतलब किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक है ना,
किलो है तो कितना से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो वोल्ट एम्पियर हो जाएगा, कितना से, 1000 से। तो 25000 वोल्ट एम्पियर है ये, कह सकते हैं इसको, ये है आपका 25000 वोल्ट एम्पियर, जो कि हमको क्या कर रहा है, ये प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ ट्रांसफर कर रहा है, समझ में आ रहा है क्या। अब स्पेसिफाइड क्या है बाबू, कि आपका जो प्राइमरी तरफ वोल्टेज है, देखिए ये इस प्रकार से, देखिए बेटा आप देखिए, आप देखिए, आपको इसमें दिक्कत आता है ना, ये 3300 से ये स्लैश देके जो 400 लिखा रहता है बाबू, इसका मतलब है कि ये प्राइमरी का वोल्टेज है, ठीक है, और ये किसका वोल्टेज है, सेकेंडरी का वोल्टेज है। इस प्रकार जहां भी स्पेसिफाइड रहे उसका मतलब आप यही समझिए, समझ में आ गया क्या। तो E1 आपको मिल गया ना कितना, 3300, E2 400। कैलकुलेट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट पूछ रहा है बाबू, क्या पूछ रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी करंट पूछ रहा है। तो आपको क्या है बाबू, 25000 VA है, और इससे आपका मान लेते हैं कि करंट कितना है, I1 है। तो आपका बताइए कि आपका ये 25 जो आपको पावर होता है, वो पावर किसका किसका मल्टीप्लीकेशन होता है बाबू, V into I होता है ना। पावर आपको दिया हुआ है 25000, करंट पूछ रहा है, तो I कितना हो जाएगा, पावर बटे वोल्टेज, कितना हो जाएगा, पावर बटे वोल्टेज। तो पावर आपका कितना है, 25000, 25000 बटे कितना वोल्टेज दे दें, 3300 है ना, इसको कट करिए, कितना एम्पियर आया, कितना एम्पियर आया, 7.57 एम्पियर। अब आपका क्या हुआ कि आपका इंड्यूस्ड हुआ वोल्टेज इधर, वो कितना हुआ, 400 हुआ होगा ना बाबू। अच्छा एक बात बताइए, सिंपली यहां पे बताइए बाबू, इधर आपको मिला कितना, 7.57 एम्पियर, इधर पट्टी ज्यादा मिलना चाहिए कि कम मिलना चाहिए, करंट का है, नंबर ऑफ टर्न्स कम है, वोल्टेज भी कम है, तो वोल्टेज कम है आपका, जाहिर सी बात है कि दोनों का मल्टीप्लाई करके पावर इक्वल करना है ना, इधरों 25 KVA होना चाहिए बाबू, 25 KVA होना चाहिए, आपका कितना हो जाएगा करंट, 25000 बटे 400, कितना हो गया ये, 62.5। इधर देखिए एम्पियर कितना है, 7.57 एम्पियर है उधर, इधर कितना है, 62.5, क्या हो गया, करंट आपका बढ़ गया, कहा कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, समझ में आया क्या। कहां E1 V1 को बराबर कहां पर, ओहो आइडियल है ना बाबू, अभी एकदम से जो अभी शुरुआत में जो बताया आपको, अभी तक अभी कुछ बोले कि रेसिस्टेंस है कि रिएक्टेंस है, कोई तरह का लॉस है नहीं ना, अभी आज लेंगे तुरंत तुरंत इसको करिए ना, तो आपका आगे का क्वेश्चन भी देखेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन बताइए, तो उसका आंसर आ गया क्या, क्या आया है, I1 कितना आया, 62.5, और I2 284.4, और बी नंबर 439.56, समझिए, और φm एकदम डिजिटल वैल्यू टाइप तो है ये है बाबू, ये सब काहे नहीं बना आप लोग, उसे नहीं बनाए हैं, इसको बना के आइएगा अगला क्लास में, सब ना लेना, अब इसको बना के आइए बाबू, ये सब टुच्चा टुच्चा क्या बताएं, है ना, इसको बना के आइए, कौन सा, उसका कुछ अभी कंटेंट बचा हुआ है बाबू, बताएंगे तब होगा, लॉस बता देंगे ना तब बनेगा, प्लास्टिक था, देख लीजिएगा इसको, ठीक है, चलिए। अच्छा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, देख लीजिए, तो इसको EYQ सब्जेक्टिव, इसमें ऑब्जेक्टिव हम लिखे हैं ना, लिखे हैं सब्जेक्टिव, डीसी मोटर PYQ सब्जेक्टिव, ओके
अच्छा ये पीसी में होगा ना। सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है। बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। नो लोड सही स्पीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज हाईएस्ट, कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सीरीज मोटर होगा बाबू, है ना। चलिए डिफरेंशियली कंपाउंड में तो बताए हैं क्या है और फ्लक्स को कम कर देता है ना। चलिए क्या है हमारा, नो लोड स्पीड ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज हाईएस्ट, तो सीरीज मोटर हो गया, क्लियर है। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन में, कौन सा क्वेश्चन है ये बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी मोटर, कौन सा हो जाएगा? फ्लेमिंग, लेफ्ट हैंड रूल, चलिए ठीक है सही है। तीसरा बताइए कौन सा हो जाएगा, तीसरा बताइए कौन सा हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ डीसी मोटर कैन सस्टेन मैक्सिमम टेम्परेचर राइज, कौन सा होगा? क्या होगा? अच्छा और कोई भाई? सब बोल दीजिए अब शर्मा धीरे धीरे। और कौन बच रहा है? स्लिप रिंग बच रहा है, कम्यूटेटर बच रहा है, बोलिए ध्यान दीजिए। आपका क्या होगा? कम्यूटेटर होगा, कम्यूटेटर सही है बाबू। ध्यान दीजिए कि आपका जो करंट है, करंट का कलेक्शन कहाँ से होता है? कम्यूटेटर से। और कम्यूटेटर को क्या करना पड़ता है बाबू? करंट रिवर्सल को फेस करना पड़ता है। किसको? करंट रिवर्सल को। और उसके रिवर्सल को फेस करने के दरमियान में क्या होता है कि स्पार्किंग होता है। तो स्पार्किंग होगा तो क्या होगा? गर्म ज्यादा होगा, टेम्परेचर राइज ज्यादा होगा। और कहीं पर स्पार्किंग होता है क्या? फील्ड वाइंडिंग तो बिल्कुल ही जो है गलत हो जाएगा ना बाबू। करंट उसमें सबसे कम जाता है, फील्ड वाइंडिंग का रेसिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा रखते हैं, उसका जो टर्न्स है वो ज्यादा से ज्यादा रखते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि उसमें करंट आपका कम जाता है। करंट आपका कम जाएगा तो आपका लॉसेस क्या होगा? कम होगा उसमें। करंट कम जाएगा तो आई स्क्वायर आर कम होगा, तो लॉसेस कम होगा तो हीट कम होगा। तो आपका जो है सबसे ज्यादा कहां पर आपको हॉट होगा बाबू? कम्यूटेटर। तो कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, क्लियर है ना, इसका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये बताइए तो, द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क इज लीस्ट इन, किसमें होगा? स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क किसमें लीस्ट होगा बाबू? किसमें? डिफरेंशियल कंपाउंड में। किसमें होगा? डिफरेंशियल कंपाउंड में। कहिएगा काहे होगा सर? मैं काहे होगा, जैसे जैसे देखिए ध्यान दीजिए, टॉर्क कितना होता है बाबू? टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई इंटू आई, ठीक है ना। स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क उसका रेशियो पूछ रहा है, समझ रहे हैं कि खाली जो है देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? स्टार्टिंग टॉर्क का मतलब क्या हुआ? टी एस टी अपॉन फुल लोड टॉर्क का मतलब टी एफ एल, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग टॉर्क जब हम शुरू करेंगे तो आपको एक आपका सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है बाबू वो बहुत हाई होता है ना। क्यों होता है हाई? क्योंकि टॉर्क जो होता है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है, ठीक है ना, इसीलिए उसका जो होता है ना सबसे ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ठीक है बाबू। चलिए अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे जैसे आपका डिफरेंशियल कंपाउंड में हमने क्या बताया कि जैसे ही आपका लोडिंग होता है फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है? ड्रास्टिकली कम होता है। जितना ज्यादा बढ़े ले जाएंगे उतने ज्यादा कमता होता कमता जाएगा, बोले ना बाबू। जितना ज्यादा आप उसका टॉर्क का बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि लोड को बढ़ाना। आप चाहें किसी कि हम इसमें लोडिंग करते हैं, समझ में आ रहा बाबू? लोडिंग करते हैं, लोड किए तो क्या किया? करंट मांगा, क्योंकि ईएमएफ बैक ईएमएफ क्या हुआ? कम हुआ, स्पीड कम हुआ, बैक वेव कम हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ? आपको करंट का ड्रॉन किया। करंट जैसे ही ड्रॉन किया तो ये फाई का वैल्यू क्या हुआ? कम हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि आप लोड को दे रहे हो और मोटर जो है आपका टॉर्क क्या कर दे रहा है?
किस केस में? डिफरेंशियल कंपाउंड में। तो अगर फुल लोड लगाएंगे या ऑपरेटो कर पाएगा, इसके पास क्षमता होगा, समझ आ रहा है ना? तो कौन सा होगा इसमें सबसे लिस्ट? डिफरेंशियल कंपाउंड हो जाएगा बाबू, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए देखिए। हाँ इसका देखिए क्वेश्चन में एक चीज जो है ना मिसिंग है, ये लिस्ट नहीं होगा मोस्ट होगा, समझे ना? लिस्ट ना होकर के मोस्ट होगा, ये मिस्टेक है इसके इस क्वेश्चन। जितना देखिए फुल लोड टॉक में क्या होना चाहिए हमारा, बढ़ना चाहिए ना बाबू, है ना? समझ में आ रहा है क्या? फुल लोड किए तो इसका वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया ना बाबू। जैसे जैसे ये कमता जाएगा तो इस एसटी से एफएल कितना होगा? बढ़ता जाएगा ना। समझ आ रहा है ना? नहीं समझ आ रहा है? देखिए स्टार्टिंग टॉक मान लीजिए बाबू शंट मोटर लिए आप, ठीक है ना? ये मिस्टेक है, ये लिस्ट की जगह मोस्ट होगा, ठीक है? देखिए तो आपका जो स्टार्टिंग टॉक है मान लीजिए कि आप शंट मोटर का लिए, तो शंट मोटर का स्टार्टिंग या फिर डिफरेंशियल का जब वो आपका नो लोड पे है तो आपको ये डिफरेंशियल वाला जो आपका वाइंडिंग है वो इफेक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा ना। लेकिन जैसे जैसे हम उसकी वाइंडिंग पे प्रेशर देते जाएंगे तो क्या होगा? शंट वाला तो आपको उसका फुल लोड का टॉक, फुल लोड का टॉक हुआ क्या, स्टार्टिंग टॉक के ऑलमोस्ट सेम रहता है ना, ऐसे रहता है ना। लेकिन डिफरेंशियल का क्या होगा? जैसे जैसे आपका लोड लगाते जाएंगे वैसे वैसे उसका टॉक और भी कमता चला जाएगा, समझ आ रहा है ना? तो अगर ये कमता चला जाएगा बाबू इसका रेशियो क्या होगा? बढ़ेगा ना बाबू, निचल का घटेगा तो रेशियो क्या होगा? बढ़ेगा। ये बात ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइए द नंबर ऑफ पोल्स इन द स्मॉलर, छोटा सा है बाबू मोटर, कितना गो पोल होगा? दो गो पोल होता है बाबू, छोटा मोटर है तो ईएमएफ भी हमको कितना चाहिए? कम में चाहिए। NP5Z/60 है, इसके हिसाब से P कितना होना चाहिए? क्या हुआ? 5 हॉर्स पावर का, सबसे मिनिमम पावर का है बाबू ये, समझे? इसी वजह से इसका पोल्स भी क्या होगा? मिनिमम होगा। इसमें कोई वो फॉर्मूला का कंटेंट नहीं है, ये आपका सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है। ये कौन सा होगा? द एफिशिएंसी ऑफ डीसी मोटर एट मैक्सिमम पावर इज कितना? लेस देन 50%। क्लियर है ना? चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस डीसी सीरीज मोटर इज यूज्ड, बताइए। तो कौन सा होगा इस क्वेश्चन का आंसर? क्या हो जाएगा? स्टार्टर फॉर कार। गायब हो गया ये, क्या छू देते हैं हम इधर उधर। हाँ देखिए क्या है ये, देखिए बाबू आपका डीसी सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होता है तो किसी इनर्सिया को तोड़ने का काम कौन करेगा? डीसी मोटर करेगा ना। डीसी मोटर का मतलब क्या होगा कि किसी इनर्सिया को वो क्या करेगा? तोड़ देगा। मतलब कि कोई भी चीज रुका हुआ है तो उसको चलाने का काम करेगा, ये कौन करेगा? डीसी मोटर। तो कौन रुका हुआ है? देखिए स्टार्टर फॉर कार, कार को स्टार्ट करने के लिए जो रुका हुआ है उसको चालू करने के लिए कौन सा लगा देंगे? डीसी सीरीज मोटर, समझ में आ रहा है ना? और उसके बाद जब चलने लगेगा तो हमको कैसा स्पीड रखना है? कॉन्स्टेंट। तो कौन सा मोटर लगाएंगे? शंट मोटर। उसी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा, समझ आ रहा है ना? एक बार जो है ना उसको सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए, वही फील्ड वाइंडिंग को शंट में कनेक्ट कर दीजिए, कनेक्शन का सिर्फ फर्क है। कनेक्शन तुरंत बदल दिए और आपका मोटर सीरीज से क्या बन जाता है? शंट बन जाता है। तो कौन सा हो जाएगा इसका? स्टार्टर फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप, सब होता है बाबू नॉर्मल पंप जो यूज करते हैं आप, इसमें कि आपका पानी निकाला जाता है, समझ में आ रहा है ना? पानी क्या हुआ क्या? हाँ सेंट्रीफ्यूगल पंप रोटेटिंग होता है ना बाबू, रोटेट करके प्रेशर क्रिएट करता है और वो पानी निकालता है सेंट्रीफ्यूगल पंप से। क्या उसमें वो उतना नहीं लगेगा जितना कि आपको किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए लगेगा, समझ में आ रहा है ना?
जो भी आपका ये दिख रहा है ना बाबू, नॉर्मल मोटर ऑपरेशंस है, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हो, मोटर ऑपरेशंस इन डीसी एंड एसी हो, वाटर पंप्स हो, ये सब आपका क्या है, नॉर्मल ऑपरेशन है आपको। जैसे कि नॉर्मल पानी वानी अगर पंपिंग सेट वाला जो देखते हैं, ये सब क्या है, हल्का सा पावर दीजिए पानी गटर से बाहर आ जाता है, समझ आ रहा है ना। लेकिन किसी जैसे कि ट्रेन है, कार है, बड़ा सा ट्रक है, ये सबको स्टार्ट करना है बाबू, तो स्टार्टिंग के समय जो है ना टॉर्क का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। इसी वजह से कौन सा मोटर यूज करेंगे, डीसी सीरीज मोटर। इन सब में आपको जो है ना शंट मोटर का यूज किया जाता है। कौन सा, देखिए ऐसा मोटर, ऐसा एप्लीकेशन, सिंपल सा समझिए बात को, कि ऐसा एप्लीकेशन जिस एप्लीकेशन में हमको कंटिन्यू जो है ना कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कराते रहना है, समझ आ रहा है क्या। तो कांस्टेंट स्पीड से जहां पर रोटेट कराते रहना है तो वो कौन सा मोटर यूज करेंगे, शंट मोटर। और जहां पर कि आपको कांस्टेंट स्पीड नहीं चाहिए, टॉर्क चाहिए ज्यादा, तो कौन सा हो जाएगा, सीरीज मोटर। ये सब पंप जो है ना आपको, ये सब आपको कंटिन्यू शुरुआत होता है, गर्र शुरू हो जाता है और पानी चलना आराम से शुरू हो जाता है बाबू। उसमें क्या देखते हैं किसी कि इतना इतना बड़का को मोटर लगे ले है, इतना को मोटर आता है आराम से जो है ना आपका पानी वानी निकाल देता है, देखते हैं कितना पानी निकलता है उससे। और वो सिंपल सा एक मोटर रहता है रखा हुआ, क्योंकि उसमें उतना ज्यादा टॉर्क की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अ 3 पॉइंट स्टार्टर इज सुटेबल फॉर, कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, शंट और कंपाउंड, शंट एंड कंपाउंड मोटर, ये वाला हो जाएगा ना सी। चलिए सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और 2 पॉइंट स्टार्टर किसमें यूज करते हैं बताइए, तो सीरीज में पूछा जाएगा कि आपका सीरीज मोटर में कौन सा स्टार्टर यूज करेंगे, तो 2 पॉइंट स्टार्टर, और 3 पॉइंट स्टार्टर शंट या कंपाउंड में लिखा हुआ है ना ये तो। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, विच विच डीसी मोटर हैज लीस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट करंट फॉर द सेम परसेंटेज इंक्रीज इन टॉर्क, बताइए किसमें, करंट क्या हो आपका टॉर्क के बराबर हो ना बाबू, करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है टॉर्क, सीरीज में नहीं होता है। करंट जितना हो उतने टॉर्क हो, किसमें, शंट में ना। क्या कह रहा है, इंक्रीज इन द इनपुट करंट फॉर द सेम परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द टॉर्क, किसमें होगा, सेम परसेंटेज किसमें इंक्रीज करे बाबू, शंट में। सीरीज में कितना होगा, आई स्क्वायर से होता है बाबू, तो कौन सा हो जाएगा इसका, शंट मोटर, कौन सा हो जाएगा, शंट मोटर। क्लियर है ना। चलिए देखिए आपके बुक में जो है ना, जो जिस बुक से इसको हम लाए हैं और जहां देखे हैं, बहुत क्वेश्चन का आंसर गलत लिखे हुए हैं, समझ आ रहा है ना। तो गलत आंसर को जो है ना आप याद मत करिए, एग्जाम में आपसे गलत करवा देगा, कई सारा क्वेश्चन का वो गलत आंसर दिए हुए हैं, तो इसीलिए उस भ्रम में ना रहिएगा, ठीक है। चलिए क्या है, इफ द ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर वैनिशेस देन कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर, ये बैक ईएमएफ कह रहा है कि अगर ये वैनिश कर जाए तो क्या हो जाएगा बाबू, बताइए ना। वैनिश का मतलब होता है कि गायब हो जाना, उड़ जाना, है ना। क्या हो जाएगा बाबू, अगर आपका बैक ईएमएफ आपको गायब हो जाएगा बाबू, तो करंट कितना हो जाएगा, आर्मेचर क्या हो जाएगा, जल जाएगा, समझे। बनाया ना आप, छोड़ देते हो बाबू इसको, अच्छा कोई बात नहीं है। देखिए बनाना इम्पोर्टेंट है, गलत होना और वो सही होना उससे कोई दिक्कत नहीं, सही हो तो बहुत अच्छा, गलत हो तो भी बहुत अच्छा, ठीक है। उससे परेशानी की बात नहीं है, गलत सही तो होना ही है। चलिए इसका आंसर बताइए, वाई इज द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर डिपेंडेंट ऑन बैक ईएमएफ, क्या होगा इसका, देखिए इसका आंसर देखिए सी नंबर होगा, लेकिन ये इक्वल टू नहीं होगा, कंट्रोल्ड बाय आर्मेचर करंट होगा, समझे। ये क्या होता है, बिकॉज बैक ईएमएफ जो होता है क्या करता है, आर्मेचर करंट को कंट्रोल करता है। जैसे ही आपका लोड लगाते हैं बाबू, स्पीड क्या होता है, कमता है, स्पीड कम होता है, ईएमएफ बैक ईएमएफ भी घटता है, और उसकी वजह से करंट आपका बढ़ता है।
ये आपका क्या क्या करता है, बैक ईएमएफ करंट को कंट्रोल करता है। इसमें आपका ईएमएफ कंट्रोलिंग द आर्मेचर करंट, यहां पे क्या आ जाएगा, ईएमएफ कंट्रोलिंग द आर्मेचर करंट, यहां पर कंट्रोलिंग आ जाएगा, बुक में गलत लिखे हुए हैं, कंट्रोलिंग द आर्मेचर करंट, ठीक है ना। इस वजह से आपको क्या होता है, डीसी शंट मोटर का जो बैक ईएमएफ है वो आपको स्पीड को कंट्रोल करता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, 12, क्या है, व्हाट विल हैपन व्हेन द फील्ड ऑफ डीसी शंट मोटर गेट ओपन व्हाइल द मोटर इज रनिंग। बताइए, मोटर रन कर रहा था आराम से, तो मोटर अगर रन कर रहा था आराम से बाबू, तो क्या होगा आपका ईबी जो होगा, सॉरी एन जो होगा वो कितना होगा, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईबी अपॉन पाई। अब वो रन कर रहा था आराम से, मस्ती से जो है ना, गन 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 कम हो चल रहा है, चल रहा है, एकाएक जा करके आपके दिमाग में कुछ उखड़ूम भरा, जाकर उसका फील्डवा ओपन कर दिए, हैं इतना बेकूफ वाला काम। जैसे ही फील्डवा ओपन किए, फ्लक्स आपका क्या हो गया बाबू, जीरो, एकाएक क्या हो जाएगा स्पीड। ये कौन सा कंट्रोल है, फील्ड वीकनिंग कंट्रोल। फील्ड वीकनिंग कंट्रोल क्या होता था, किसके लिए यूज किया जाता है फील्ड वीकनिंग कंट्रोल, बताइए तो, रेटेड से ओवर रेटेड, बहुत बढ़िया बाबू। और आपका आर्मेचर कंट्रोल, रेटेड से बिलो रेटेड। तो आपका दो प्रकार का कंट्रोल होता है बाबू, जिसमें कि आपका फील्ड वीकनिंग क्या करता है, रेटेड से ओवर रेटेड। क्यों ओवर रेटेड होता है, क्योंकि उसके फ्लक्स को हम कम करते हैं, रेसिस्टेंस लगा के उसके वैल्यू को कम करते हैं। यहां पर क्या कर दिया है, साफे एकदम खत्म कर दिया है, इतना भी बेकूफी, साफे खत्म कर दिया, क्या हो जाएगा ये बनबना के एकदम से उड़ जाएगा, है ना। आपका कौन सा हो जाएगा बाबू, स्पीड ऑफ मोटर विल डिक्रीज, कौन सा हो जाएगा, डेंजरस मोटर विल अटेन डेंजरस हाई स्पीड, तो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी मोटर हैव सेल्फ लोडेड प्रॉपर्टी। चलिए ये बताइए, सेल्फ लोडेड प्रॉपर्टी ये कौन सा होगा बाबू, कौन सा होगा इसका, हो जाएगा बाबू डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर, समझ आ रहा है ना, कौन सा होगा, डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर। का है बाबू सेल्फ लोडेड प्रॉपर्टी है, का है सेल्फ लोडेड है, क्या हुआ, देखिए सेल्फ लोडेड का मतलब ये हुआ कि आप उसको लोडिंग भी नहीं कर रहे हो, आप उसको लोडिंग भी नहीं कर रहे हो, फिर भी जो है ना वो क्या हो रहा है, उसका जो टॉर्क है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सेल्फ लोडेड का मतलब हुआ कि बिना उसको लोड किए हुए ही वो क्या हो जाए, अपने आप को कम करने लगे, समझ में आ रहा है क्या। तो डिफरेंशियल में आप उसको लोड दीजिए कम, लोड दीजिए कम, अब वो फील कितना करेगा, ज्यादा, वह समझ आ रहा है, क्या है, क्या लोड दीजिए आप जितना, उससे भी वह क्या करेगा, करंट को ला करके और उसके फ्लक्स को और भी कम कर देगा, टॉर्क को और भी कम कर देगा, टॉर्क कमेगा ना बाबू, नहीं समझ में आया, टॉर्क आपका क्या हुआ डिफरेंशियल कंपाउंड में, लोड बढ़ाने से और वो घटेगा ना। तो देखिए जितना आप दिए थे उसको, जितना आप दिए थे उसके हिसाब से वो क्या किया, टॉर्क आपको दे पाया, दे पाया नहीं दे पाया ना, इसका क्या मतलब है, जितना उसको देना था वो तो दिया ही नहीं, वो खुद ही जो है अपने आप को और कम कर लिया, वो सेल्फ ही अपने आप में ही लोडेड है, ये बात समझ आ रही है क्या। सेल्फ लोडेड का मतलब हुआ कि वो आपको दे नहीं रहा है, वो खुद ही खा जा रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो वो देगा क्या आपको, वो खुद ही डिफरेंशियल कंपाउंड क्या करता है, क्योंकि आप उसको लोड देते हो, आपके लोड को वो क्या ऑपरेट करेगा, वो खुद ही क्या किया, अपने फ्लक्स को निगेटिव करके अपने लोड को खुद ही खा गया, देना चाहिए था उसको फ्लक्स और वो क्या कर लिया, खुद ही खा गया। इसका क्या मतलब है कि वो सेल्फ लोडेड है, अपने आप में ही लोडेड है, वो जो सेल्फ लोडेड है वो टॉर्क आपको मिलेगा क्या, नहीं ना मिलेगा, वो तो निगेटिव वाला फ्लक्स आकर के खुद ही के टॉर्क को क्या कर दे रहा है, खत्म कर दे रहा है, इसी को बोलते हैं सेल्फ लोडेड प्रॉपर्टी। वो आपको मिलेगा नहीं, कहीं दिखेगा ही नहीं, कहां गया, हम लोड लगाए और वो कम हो गया, कौन खा गया ये लोड, कौन खा गया इस स्टॉक को, मोटर खुद ही खा गया इसके, इसीलिए क्या हो गया ये सेल्फ
एक्सक्लूडेड प्रॉपर्टी। ये समझ में आया कि नहीं? तो कौन सा हो जाएगा? डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा एनालिटिकल है, उसको समझना पड़ेगा तब आपको दिमाग में ये एकदम क्लियरली कट हुआ कि नहीं, वो हो गया ना। चलिए द रीजन ऑफ यूजिंग स्टार्टर व्हाइल स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर, बताइए किसका आंसर। बताइए इसका आंसर, काहे के लिए स्टार्टिंग स्टार्टर का यूज करते हैं बाबू? टू रेसिस्ट आर्मेचर करंट एज देयर नो वैक्यूम एफ एट स्टार्टिंग, होगा बाबू बताइए ना कौन सा होगा इसका? ए नंबर ऑप्शन होगा। काहे स्टार्टिंग स्टार्टर का यूज काहे करते हैं बाबू बताइए तो? ना अच्छा आंसर दिए आप, स्टार्टर का यूज काहे करते हैं तो मोटर को स्टार्ट करने के लिए। ट्रांसफार्मर का यूज क्यों करते हैं? ट्रांसफर करने के लिए। ऐसे होता है बाबू, स्टार्टर का नीड बताया था, इतना सारा बात बताया था। नीड ऑफ स्टार्टर क्या है बाबू? नीड ऑफ स्टार्टर, हाँ आर्मेचर करंट क्यों होता है ज्यादा? शुरुआत में लोड ज्यादा होता है। हमने आपको बताया है, बस 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 आपको मौका दिए, अब हमको मौका दीजिए। I इक्वल टू कितना होता है? V माइनस EB अपॉन RA। अगर आपका मोटर, जैसे हमने क्या बताया था, ये पंखा है ना बाबू, पंखा में जैसे ही लाइन देते हैं तुरते स्टार्ट हो जाए, क्या नहीं होता है? क्या रहता है शुरू में? स्पीड उसका कम रहता है, स्पीड उसका जीरो रहता है। जिस वक्त हम यहाँ से देते हैं तुरते उसका स्पीड कितना रहता है? जीरो। तो अगर आपका एन बराबर जीरो तो ई बी बराबर कितना? जीरो। तो जितना वोल्टेज दिए उतना बटे आर ए, आर ए का वैल्यू 0.4 ओम और आपका वी का वैल्यू 220 वोल्ट, 220 बटे 0.4 कितना एम्पियर? 400 एम्पियर लगभग हो जाएगा, है ना? बताए थे ना आपको कितना ज्यादा एम्पियर से अगर कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? दिवाली सेलिब्रेशन है ना, तो आपको क्या हो जाएगा बाबू? करंट हाई हो जाएगा, है ना। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है? टू रेसिस्ट आर्मेचर करंट, है ना, आर्मेचर करंट को रेसिस्ट करने के लिए, कम करने के लिए, और आपको जो बैक ईएमएफ है उसको लाने के लिए। समझ में आया क्या? जैसे जैसे बैक ईएमएफ का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका करंट कंट्रोल होता जाएगा। बताइए कोई तकलीफ है क्या? नो सर। बताइए द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर इज, ये क्या हो जाएगा बताइए, कौन सा हो जाएगा? लो स्टार्टिंग टॉर्क, है ना, कौन सा हो जाएगा? लो स्टार्टिंग टॉर्क, कि आपको टॉर्क आपको बहुत कम चाहिए, जितना चाहिए उकरो से कम कर देगा वो, मतलब क्योंकि आप चाहते हैं कि हमको धक्का दे लेकिन धीरे ही से धक्का दे, अब मन में चल रहा है कि और धीरे से धक्का दे, तो आप जितना चाहते हैं ना, जितना चाहते हैं उकरा से और वो कम से धक्का देगा आपको, समझ में आ रहा है ना? ये कौन सा है हो जाएगा? ये लो स्टार्टिंग टॉर्क, है ना। चलिए अगला कौन सा है? अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसका तो बताइए जल्दी से कौन सा होगा? करंट इन द कंडक्टर, बताइए इसको पढ़ के बताइए तो सब लोग। हाँ 360 स्टडी कह रहे हैं कि अभी हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटर ही पढ़ रहे हैं, लो स्टार्टिंग टॉर्क। अच्छा हाँ बहुत अच्छा बाबू, सर हम अभी आपसे 7 वीडियो लैग कर रहे हैं। अच्छा धीरे धीरे कर लीजिए बाबू, है ना। हाँ चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, करके देखिए ऐसे ऐसे। कौन सा रूल है ये? लेफ्ट हैंड रूल है, तो फोर फिंगर किसको दर्शाता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब किसको दर्शाता है? फोर्स को, रोटेशन को, और इसको मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ, इसी के बारे में ना कमेंट पूछ रहा है बाबू, मिडिल फिंगर के बारे में, तो मिडिल फिंगर के बारे में पूछ रहा है, तो ये कौन हो जाएगा? करंट इन द कंडक्टर, कोई बात है क्या? नो सर। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है? विच डीसी मोटर इज प्रेफर्ड फॉर कॉन्स्टेंट स्पीड, बताइए कौन सा? शंट मोटर हो जाएगा ये, कौन सा हो जाएगा बाबू? शंट मोटर हो जाएगा, कॉन्स्टेंट स्पीड होता है ना इसका, लोड जैसे जैसे बढ़ता है इसका स्पीड आपको, दिस वन इज आई
दिस वन इज एन, इसका स्पीड एकदम से कांस्टेंट रहता है बाबू, एकदम तन्नी सा कमता है, हल्का सा, है ना। आ जाइए दूसरा क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी सीरीज मोटर कैन बी चेंज्ड बाय, बताइए ये कौन सा होगा, क्या बोथ ए बी, ए होगा। देखिए आपको अगर मोटर का, ये डीसी सीरीज मोटर का आपको अगर इसका स्पीड को बदलना है, सॉरी इसके रोटेशन को बदलना है, ठीक है ना, अगर इसके रोटेशन को बदलना है तो या तो आप इसके फील्ड को चेंज कर दीजिए या तो किसको, आर्मेचर वोल्टेज को, दोनों में से किसी एक को करिए चेंज, ये नहीं कि दोनों को कर दीजिए, दोनों को कर दीजिएगा तो सेम स्पीड रह जाएगा, किसी एक को करिए, ये बात समझ में आ रही है क्या, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका रोटेशन रिवर्स हो जाएगा, मान रहे हैं बात को क्या, बताइए ना बाबू, क्योंकि फ्लक्स अगर उल्टा हो जाएगा तो एन से क्या हो जाएगा, एनएस आपका है तो एसएन हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा आपका रोटेशन। कहने का मतलब है कि इस तीन उंगली में से किसी एक को इंटरचेंज करेंगे ना बाबू, तब जाके दूसरा इंटरचेंज होगा, समझ में आ रहा है क्या, अगर दो को इंटरचेंज कर देंगे तो तीसरा वाला वहीं का वहीं रह जाएगा, समझ में आ रहा है ना, इसीलिए आपका जो होगा या तो आप फील्ड को इंटरचेंज कर दीजिए या तो आप सप्लाई टर्मिनल को इंटरचेंज कर दीजिए, हाँ बिल्कुल, उसको उल्टा कर दीजिए तो भी आपका रिवर्स हो जाएगा, समझ रहे ना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, ये दोनों में से कोई भी काम कर देना है आपका, है ना, कोई एक काम कर दीजिए आपका रोटेशन रिवर्स हो जाएगा। चलिए अगला क्या है, What will happen when the DC motor is connected to the AC supply? इसमें क्या होगा बाबू, जरा समझिए बात को, क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, हमारे पास में जो है ना बाबू दो प्रकार का मोटर है, ठीक है ना, एक आपका कौन सा है, DC सीरीज मोटर, और दूसरा क्या है डीसी शंट मोटर, ठीक है ना। देखिए डीसी सीरीज मोटर और डीसी शंट मोटर के बारे में हम लोग देखना चाहते हैं, ठीक है ना, आपका डीसी सीरीज मोटर को देखिए बाबू, कि आपका इसका टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, आई स्क्वायर होता है ना, आई स्क्वायर होता है ना। अब देखिए अगर आप इसमें डीसी सीरीज मोटर में आप इसको करंट दीजिए ये वाला, ठीक है ना, एसी करंट दिए, सप्लाई कौन सा दिए, एसी दिए, ये अगर डीसी था वो तो नॉर्मल बात है, अब हम कौन सा करंट दे रहे हैं, एसी करंट दे रहे हैं ना, ये आपका एसी दिए, आई हो गया ना ये, और ये हो गया ओमेगा टी, ठीक है ना, ये आपका करंट है, ओके, यही करंट हमारा क्या कर रहा है, मोटर के अराउंड अपेयर हो रहा है, ठीक है ना। अब आपका टॉर्क का क्या है, आई स्क्वायर है, एक और आपका करंट मान लीजिए, यही आपका करंट हो गया, या फिर इसको उतना तो आप समझदार हैं बाबू, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, तो आई का स्क्वायर करेंगे तो क्या ऐसा मिलेगा, बताइए ना, ध्यान दीजिए, देखिए ये आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल यहां से यहां, नेगेटिव हाफ साइकिल ये है, ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल का स्क्वायर करते हैं, इसी के प्रोपोर्शनल है ना टॉर्क आपका, इसका अगर स्क्वायर करते हैं बाबू तो हमको क्या मिलेगा, इसका डबल ना, डबल से भी ज्यादा, ऐसे करके ये मिलेगा, ठीक है ना, मिला ना। चलिए इसका भी अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, सेम यही मिलेगा कि ये मिलेगा, सेम यही मिलेगा बाबू, बात समझ आ रही क्या। तो जब आपका डीसी सीरीज मोटर के साथ अगर एसी सप्लाई दें तो टॉर्क आपका यूनिडायरेक्शनल है कि बाय डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल है,
हाँ ये बात अलग है कि उसका टॉक यूनिफॉर्म नहीं है, बात समझ आ रही कि नहीं? टॉक यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन वो रुक सकता है क्या? नहीं, वो रोटेट करेगा। हाँ, उसका स्पीड थोड़ा सा कभी कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, बताइए ना बाबू। लेकिन यूनिडायरेक्शनल है कि नहीं? अच्छा, ये तो हो गया किस केस में, किस केस में? सीरीज मोटर के केस में। अब अगर हम देखें डीसी शंट मोटर के केस में बाबू, तो क्या हो जाएगा आपको? डीसी शंट मोटर के केस में आपका ये आपका करंट के प्रोपोर्शनल होगा ना बाबू, टॉर्क जो होगा आपको पाई और आई के प्रोपोर्शनल होगा ना, बताइए। अच्छा, अब आपको एक बात पूछते हैं बेटा, देखिए बड़ा कॉन्सेप्चुअल है ये, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा ना तो हो जाएगा। हम शंट मोटर की बात कर रहे हैं, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई इंटू आई। आई का मान लीजिए, आई आई के बारे में देखिए तो ये फाई का प्रोपोर्शनल है ना आई, ये कौन आई, तो ये वाला कौन सा है? आर्मेचर करंट है, ये कौन सा है? आर्मेचर करंट है। और ये किस वजह से आया होगा? फील्ड करंट की वजह से। देखिए बाबू, इस केस में ये आई स्क्वायर क्यों लेते हैं? क्योंकि सेम करंट आपका फ्लक्स में है, सेम करंट कहाँ है? आर्मेचर में है, तो दोनों करंट इक्वल ही है, इस वजह से दोनों क्या हो गया? आई स्क्वायर हो गया। समझ आ रहा है क्या? लेकिन यहां देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बाबू, इसमें ध्यान दीजिए। अब इसमें क्या हुआ शंट मोटर में, कि आपका आर्मेचर में तो जो आप अप्लाई किए वही गया, कौन सा, क्या अप्लाई कर रहे हो? एसी। क्या अप्लाई कर रहे हो? एसी। देखिए जरा शंट का बात कर रहे हैं ना, ये आपका क्या है? फील्ड वाइंडिंग है, आर एस एच है, और ये मोटर है, यहां से हम क्या दे रहे हैं? एसी सप्लाई दे रहे हैं बाबू, एसी ऐसे दे देंगे तो दोनों तो मोटर ही नहीं लगेगा, एसी दे रहे हैं, है ना? ये अब एसी सप्लाई है ना, प्लस माइनस, ठीक है। अब ये जो आपका गया, ये गया आपको किधर? इधर गया आई ए और इधर गया आई एस एच, और यहां से आई करेंट आप सप्लाई किए, ठीक है ना। अच्छा, आई ए में आपको हम बताएं क्या इसका रेसिस्टेंस होता है, क्या? आर ए होता है ना बाबू। और इधर क्या है आपको? ये वाइंडिंग है ना बाबू, वाइंडिंग है ना। अब जरा ध्यान दीजिए कि जो आपका ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये क्या है आपको? क्या देने के लिए इसमें हम करंट भेज रहे हैं? क्या देने के लिए? फ्लक्स देने के लिए। फ्लक्स आपका कैसा कंपोनेंट है? मैग्नेटाइजिंग है कि लॉसी कंपोनेंट है? मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो होगा वो आपका अप्लाइड वोल्टेज से कितना होगा लैग? 90 डिग्री होगा ना। और इधर क्या है? आरए है ना बाबू, ये आपका कौन सा है? करंट है ना, यही आईए है, जो अप्लाइड है वोल्टेज वही आपका आईए होगा, क्योंकि इसमें तो हमने क्या माना है कि इसका सिंपल हमको लॉस जाना है आर्मेचर के अंदर, बताइए ना बाबू, कोई दिक्कत है क्या? यहां पर आपको ऐसा वाइंडिंग करते हैं क्या, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग ऐसे ऐसे करते हैं क्या? नहीं ना बाबू, यहां पर तो आपको पूरे सर्कमफेरेंस पे वाइंडिंग करते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटेड, बताइए ना बाबू। ये जो वाइंडिंग है ये कैसा है? खुला आ गए एकरे में ना, ऐसे 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 करते हैं, ये ट्रांसफॉर्मरवा का प्राइमरी या सेकेंडरी वाला नहीं दिख रहा है क्या, है ना? इसमें जो आपको करंट आएगा वो क्या करने के लिए आएगा? मैग्नेटाइज करने के लिए ना बाबू, है ना। तो आपका जो करंट होगा, ये जो आई आई जो बन रहा है आपको आई ए प्लस आई एस एच, इसकी इसका जो आपका लैगिंग एंगल होगा ये क्या हो जाएगा? आई एस एच एंगल 90 हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? और जो आई ए होगा ये तो आपका सिंपल जितना अप्लाई कर रहे हैं वही ना होगा, बताइए ना बाबू। तो इसका जो अगर हम देखें तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए। एक बार हम देखते हैं कि ये हमारा आई ए का ग्राफ ये हो गया, ठीक है ना, ये किसका ग्राफ हो गया? आई ए का, क्लियर है क्या? अब अगर हम आपसे पूछें कि आपका पाई का कहाँ जाएगा ग्राफ, तो क्या करिएगा? लैग जाएगा, तो यहां से शुरू होगा ना बाबू, ये कहाँ चला जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, बताइए? और ये इधर नीचे चला जाएगा क्या, बताइए?
ये कौन है, ये फाई है और ये क्या है आई ए है और ये सब मिलके क्या है टॉग। बोलिए कोई तकलीफ है क्या, है ना। अब इसको जरा सा हाफ हाफ में बांट दीजिए, तो यहां से ऐसे बांट दीजिए, ये यहां से बांट दीजिए, ये यहां से, ये यहां से, ये 90-90 में बांट दिए ना, बांट दिए ना। इतना का अगर करिए मल्टीप्लीकेशन तो कितना होगा, ये नेगेटिव की पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है बाबू, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कितना, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो टॉक क्या हो गया यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर क्या है दोनों पॉजिटिव है ना, है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ क्या है बाबू पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कितना नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव टॉक नेगेटिव टॉक या पॉजिटिव टॉक, पॉजिटिव टॉक को मान लीजिए कि क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, तो नेगेटिव टॉक, समझ में आ रहा है क्या। तो आपको जो टॉक होगा वो आपको एक ही साइकिल में चार बारी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव करके और कभी घूम पाएगा, समझ में आ रहा है क्या, वो घूम पाएगा नहीं, अगर वो घूम नहीं पाएगा, अगर वो घूम नहीं पाएगा, अगर वो घूम नहीं, 90 डिग्री नहीं समझ में आया बाबू, ये ट्रांसफॉर्मर में बताए हैं, कल का क्लास देखिए ट्रांसफॉर्मर का, है ना, कल का क्लास देखिए, कल बताए हैं ये बहुत अच्छे तरीके से, उसमें समय लगा था बहुत ज्यादा, उतना ज्यादा फिर से समय कैसे दे बाबू, है ना। चलिए तो ये क्या कह रहा है आपको कि हमारा जो है टॉक वो आपका एक ही आपका साइकिल में चार बारी क्या करेगा ऐसे ऐसे करके और वहीं का वहीं रह जाएगा, तो कभी आपका शंट मोटर रोटेट करेगा, तो डीसी का डीसी मोटर में अगर सीरीज मोटर को एसी सप्लाई देते हैं तो वो रोटेट करेगा, कुछ कुछ दिक्कत होगा लेकिन रोटेट करेगा, लेकिन डीसी शंट मोटर रोटेट नहीं करेगा, और शंट मोटर रोटेट नहीं करेगा तो आपका एन कितना हो गया जीरो, तो ई भी कितना हो गया जीरो, तो आई कितना हो गया, दिवाली सेलिब्रेशन करिए, जब करंट आपका इतना बढ़ गया तो बूम कर जाएगा, जल जाएगा, क्या समझ आया। तो यहाँ यहाँ क्वेश्चन का प्रकृति को देखिए जरा सा, क्या कह रहा है कि अगर आपका कनेक्टेड डीसी मोटर लिखा है बेटा, डीसी मोटर लिखा है कनेक्टेड टू एसी सप्लाई, देन क्या हो जाएगा बाबू, डीसी मोटर विल रन एट रेटेड स्पीड, डीसी मोटर विल बर्न, डीसी मोटर विल रन एट स्लो स्पीड, शंट मोटर। ये क्वेश्चन जो है ना आपको इसका ऑप्शन ये दोनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये दोनों हो जाएगा, ये किसके केस में होगा बाबू, डीसी सीरीज मोटर के केस में होगा, ठीक है ना, और ये शंट मोटर के केस में हो जाएगा, बताइए बाबू। सॉरी ये देखिए, ये इसका कौन सा हो जाएगा, डीसी मोटर विल रन एट स्लो स्पीड, ये भले ले सकते हैं, हाँ सही बात बोल रहे हैं। देखिए ये कभी कभी आपको इसका आंसर जो है ना, ये तीनों में से अगर सीरीज मोटर लिखेगा तो कभी आपको ये अगर ऑप्शन दिया है तो यही मारिएगा, अगर ये दिया है तो ये मारिएगा, लेकिन अगर दोनों दिया है तो आपको ये मारिएगा बाबू, क्लियर है, बात समझ रहे ना। करंट हो ही रहा है लेकिन वो कंटिन्यूअस है, खूब एकदम से आगे बढ़ते 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 बढ़ते, फिर थोड़ा धीरे 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 धीरे, फिर आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे धीरे, ऐसे ना हो रहा है, ना हो रहा है, खूब जोर से धक्का दिया, फिर धीरे धीरे, फिर जोर से धक्का दिया, ऐसे ये कैसा दिक्कत है ना बाबू, ये इतना एकदम से खोल के बता रहे हैं। डीसी में क्या होता है, एकदम गनगन गनगन जाते चले जाओ, ये ऑप्शन का प्रकृति समझे ना, इस तरह से आंसर आउट करना है इसको, अभी आ जाएगा बाबू, दो तीन वो क्वेश्चन इस पर है यहाँ पर, देखिए ना आएगा वो। अब देखिए विच डीसी मोटर प्रेफर्ड फॉर मशीन टूल्स, शंट बाबू है ना, छोटा छोटा मशीन टूल्स रहता है जिसमें कि हमको नॉर्मल आपको जो है ना मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, नॉर्मल मोटर नॉर्मल एप्लीकेशन सिंपल, कौन शंट, जिसका कि हमको क्या चाहिए सिंपल सा स्पीड कांस्टेंट, और टॉक भी हमको नॉर्मल टॉक मिलता है, देखिए नॉर्मल टॉक नॉर्मल स्पीड कौन आएगा शंट, ज्यादा हमको टॉक चाहिए कौन आएगा सीरीज आएगा, ठीक है।
चलिए अगला कौन सा है, व्हेन द स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज इंक्रीज्ड, डीसी मोटर इज इंक्रीज्ड क्या होता है, बैक ईएमएफ इंक्रीज एंड करंट ड्रॉन डिक्रीज, बैक ईएमएफ क्या है ये, डीसी मोटर का जो है ना बाबू स्पीड जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, स्पीड अगर इंक्रीज करेगा, स्पीड अगर इंक्रीज करेगा तो आपका ईबी क्या होगा, बढ़ जाएगा, और करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा है, ए ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है ना। चलिए अगला क्या है, द स्टार्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ डीसी मोटर इज जनरली क्या होगा, देखिए इसमें हमारा स्टार्टर नहीं लिखा है बाबू, ठीक है ना, स्टार्टर नहीं लिखा है, देखिए स्टार्टर नहीं लिखा है कि देखिए इसमें अगर लिखा रहता ना विद द हेल्प ऑफ स्टार्टर व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ डीसी सीरीज मोटर, तो उसका होता है कि हाई करके रखते हैं, लेकिन क्योंकि आपका डीसी मोटर का जो आपको रेसिस्टेंस है जनरली लो होता है, क्या होता है, लो होता है, आर्मेचर रेसिस्टेंस क्या होता है, लो होता है, इस वजह से हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टार्टर, स्टार्टर यूज करके उसके रेसिस्टेंस को ज्यादा करते हैं, और ज्यादा करके उसको हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल रखने के लिए स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्योंकि हम स्टार्टर का यूज नहीं कर रहे हैं, ये पूछ रहा है कि आपका जो करंट रेसिस्टेंस होता है आर्मेचर का वो कितना होता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ द डीसी मोटर, स्टार्टिंग रेसिस्टेंस है क्या बाबू, क्योंकि अगर आप डीसी मोटर को स्टार्ट कर रहे हो उस वक्त रेसिस्टेंस कितना होता है, अगर आप उसको स्टार्ट कर रहे हो उस वक्त रेसिस्टेंस कितना होता है, लो होता है, आप स्टार्टर यूज कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, अगर वो पूछता क्योंकि क्या आप स्टार्टर को इस्तेमाल करके स्टार्टिंग रेसिस्टेंस क्या करते हैं, तो क्या कहोगे, हाई करते हैं, यहाँ सिर्फ पूछ रहा है कि स्टार्टिंग रेसिस्टेंस क्या होता है, क्या होता है, लो होता है, ठीक है ना। सीरीज वाला में भी क्या रहता है बाबू, इसमें भी आपको स्टार्टर का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, रेसिस्टेंस बढ़ाते हैं ना, चाहे आपका शंट वाला हो चाहे आपका सीरीज वाला हो, दोनों में ही आपको क्या करते हैं, रेसिस्टेंस को बढ़ाते हैं लगा करके, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन का पूछने का इसका तरीका दो बात है यहाँ पर बाबू, ध्यान से समझिएगा चीज को, कि वो जिस क्वेश्चन का जो आंसर बनाया है हम जान रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट हम जान रहे हैं, लेकिन वो क्या समझ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर देना होता है, समझ रहे ना। अगर वो समझेगा कि हमको स्टार्टिंग में जो रेसिस्टेंस होता है उसी का हम आंसर देंगे, आपको लो दीजिएगा ना, तब वो मानेगा सही। आप अपने मन में सोच लिए क्या कि शुरू में जो है ना कम होता है, अरे सॉरी शुरू में आपका रेसिस्टेंस का कम होता है इसलिए करंट हाई होता है, इसलिए हम स्टार्टर लगा के हाई कर देते हैं, हाई मार देंगे, वो कहेगा सोच कि नहीं हम पूछे थे आर्मेचर का रेसिस्टेंस कितना होता है स्टार्टिंग में, तो क्या कहिएगा उसको, क्योंकि ये क्वेश्चन जो पूछा गया है आयोग आपका आंसर इसका क्या ले रहा है, लो क्यों ले रहा है, क्योंकि वो कंसीडर किसको कर रहा है, आर्मेचर रेसिस्टेंस को एट द स्टार्टिंग, क्या स्टार्टिंग में उसका रेसिस्टेंस लो था इस वजह से करंट ज्यादा हो रहा था, और स्टार्टर का इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे थे उसके करंट को कंट्रोल कर रहे थे, आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, लेकिन इसकी प्रकृति को देख करके इसका आंसर क्या देना है, लो, क्लियर है ना। क्योंकि देखिए क्वेश्चन क्या होता है ना, आपको एक बात बताएं, एक टेक्निकल में मात्र एक ही एग्जाम ऐसा होता है जो कि स्टैंडर्ड एग्जाम होता है, उसके गलत होने की संभावना बहुत कम, रेयर, जो कि गेट का एग्जाम होता है, बाकी जितना एग्जाम होता है चाहे यूपीएससी कंडक्ट कराए चाहे एसएससी कराए, हर साल 4-5 गलत रहता है, हाँ हर साल, और वो मिस्टेक कर देगा कभी कुछ कर देगा, और बिहार में तो इसको तो पूछो, हाँ
नहीं वो कर देता है सो उसको कैंसल कर देता है। नहीं ओ, उस क्वेश्चन को आपका सही रहे चाहे गलत रहे सबको नंबर दे दिया मान लीजिए, समझ आ रहा है ना, या फिर उसको सीधा स्किप कर देगा या तो जो भी देगा उसको सबको बराबर कर देगा या तो सीधे उस क्वेश्चन को ही खत्म कर देगा। तो टेक्निकल में क्या होता है बाबू कि क्वेश्चन का क्या नेचर है और उसको वो कैसे पूछना चाह रहा है, क्या उसका हाई लो लो हाई शब्द को इधर से उधर कर दीजिए तो आपका क्वेश्चन जो है इधर से उधर हो जाता है। तो कई दफा जो है आपको हम कई सारा क्वेश्चन में हम देखे हैं, कई दफा पावर का जो पूछता है कि एक कौन सा क्वेश्चन है ध्यान से उतरा हुआ है बताएंगे कभी। तो छोटा छोटा जो है ना लैंग्वेज का डिफरेंस करके क्वेश्चन का जो है आपको ऊपर से नीचे कर देता है। कौन सा ये नहीं हुआ था, क्या है क्वेश्चन, स्पार्किंग ऑफ कम्यूटेटर डीसी मोटर इज जनरली क्या होता है, क्या करता है ये, इंक्रीज द पावर कंजप्शन, डैमेज द कम्यूटेटर इंसुलेशन, डैमेज ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स, क्या हो गया, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा ना बाबू, है ना, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल हैपन इफ 220 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर इज कनेक्टेड 220 वोल्ट एसी, अब बताइए क्या हो जाएगा, बताइए कौन सा हो जाएगा, बताइए, वो साफ लिख दिया है डीसी सीरीज मोटर, अब कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, कौन सा होगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए, रन द मोटर विल नॉट रन, क्या है, गलत है कि सही है, गलत है, द आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ द मोटर विल बर्न, ये किसमें बर्न करता है, शंट में। तीसरा क्या है, द मोटर विल रन विथ लेस इफिशियंसी एंड स्पार्किंग, यही ना होगा, हे भगवान वही बात ना बोले बाबू, डीसी को एसी कर दिए वही ना बात है बाबू, 220 वोल्ट डीसी था उसको क्या कर दिए 220 वोल्ट एसी कर दिए, तो एसी कर दिए तो वही ना हो गया, क्योंकि डीसी था तो एसी सप्लाई दे दिए तो क्या होगा, है ना, तो सिंपल तो है बाम्बू। ये तो सब बना दिए होंगे, ये कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, ये द रीजन फॉर प्रोवाइडिंग फील्ड वाइंडिंग ऑफ डीसी मोटर विथ थिकनेस वायर, बताइए क्या करने के लिए, थिकनेस क्या रखते हैं ज्यादा, क्या करने के लिए, इट कैरी लार्ज लोड करंट, ठीक है ना, क्या करने के लिए, लार्ज, देखिए बाबू एडी करंट को लॉस कर, एडी करंट को कम करने के लिए लेमिनेशन करते हैं, थिकनेस नहीं बढ़ाते हैं, ट्रांसफॉर्मर में क्या करते हैं, लेमिनेशन करते हैं, है ना। ओहो हो, इसमें आपका क्या है, क्वेश्चन तो समझिए बाबू, डीसी मोटर का क्या कर रहे हैं हम लोग, फील्ड वाइंडिंग को डीसी मोटर विल थिकनेस वायर, देखिए ये जो आपका डीसी मोटर है ये कौन सा मोटर होगा बताइए, तो सीरीज मोटर होगा, कौन सा होगा, सीरीज मोटर होगा, और सीरीज मोटर में क्या होता है कि जो आपका फील्ड वाइंडिंग होता है और जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है वो सीरीज में होता है, अगर हम इसका थिकनेस ज्यादा नहीं रखेंगे तो यहाँ पर लोड बढ़ाएंगे तो वहां से हमारा लोड करंट ज्यादा आएगा, तो जितना आपका आर्मेचर करंट होता है उतना ही आपका फील्ड करंट भी होता है, इस वजह से क्या करना पड़ेगा, इसके थिकनेस को बढ़ा रखना पड़ेगा जिससे कि ये क्या कर सके, उस करंट को बियर कर सके, सस्टेन कर सके, समझ रहा है ना, इस वजह से हमको क्या करना पड़ेगा बाबू, लार्ज लोड करंट को बर्दाश्त कर सके, इस वजह से क्या होगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसलिए उसका थिकनेस। अच्छा यही जगह पे आपका जो शंट मोटर रहेगा बाबू, बताइए शंट मोटर में क्या करते हैं, उसके थिकनेस को कम रखते हैं और उसके एन के वैल्यू को क्या रखते हैं, बढ़ा देते हैं, जिसके कारण कि कम करंट के लिए भी वो एमएमएफ का वैल्यू क्या रखे, ज्यादा से ज्यादा रखे और आपको फ्लक्स ज्यादा से ज्यादा मिले। चलिए कोई तकलीफ है क्या इसमें, चलिए ये कौन सा है, इन डीसी मोटर परसेंटेज ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बताइए, वो देखिए 2-3%, समझ में आ रहा, बहुत कम, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है, थोड़ा सा हमको चाहिए जिसको, जिसके मदद से हम क्या कर सके, रोटेट करके उसको कट करके, और बताए थे ना ये, बताए थे बाबू। चलिए व्हाई इज द डीसी मोटर प्रेफर्ड ओवर एसी मोटर, बताइए क्या है इसका,
देखिए बाबू, हम आपको बताएंगे पिछले अगले सेमेस्टर में कि आपका डीसी इंडक्शन मोटर, ठीक है ना, 90% जो केस में आपको मोटर यूज करते हैं वो इंडक्शन मोटर यूज करते हैं, लेकिन जिस जगह पर हमको स्पीड कंट्रोल करना होता है ज्यादा स्पीड कंट्रोल और इफिशियंटली, तो डीसी मोटर का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? डीसी मोटर का। डीसी मोटर जो है इंडक्शन मोटर से सिर्फ एक ही एस्पेक्ट्स में सुपीरियर है। किस एस्पेक्ट्स में? उसका स्पीड कंट्रोल बहुत बढ़िया है, और वो भी बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट से। जस्ट यू आर गोइंग टू यूज द सिंगल रेसिस्टर इन द फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग। अगर आर्मेचर वाइंडिंग में यूज करिए तो रेटेड से बिलो रेटेड कंट्रोल कर देगा, और फील्ड वाइंडिंग में यूज करिए तो रेटेड से ओवर रेटेड कर देगा। तो समझिए कि आपका स्पीड कंट्रोल जो होता है डीसी मोटर का, डीसी शंट मोटर का, ये आपको बहुत ही इफिशियंट होता है। इस वजह से हमारा जो एसी मोटर के अगेंस्ट इसका यूटिलाइजेशन करेंगे, किस संदर्भ में इसका वेरिएबल स्पीड ऑपरेशंस, समझ में आ रहा है ना? वेरिएबल स्पीड ऑपरेशंस का क्या मतलब हुआ कि जिस भी स्पीड पे आप काम कराना चाहें उस पे आप कर दीजिए। कंट्रोल का क्या मतलब हुआ? स्पीड कंट्रोल का मतलब कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। तो क्या है ये? वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन है ना। तो इस वजह से क्या होता है बाबू, हमारा किसका हाई स्पीड ऑपरेशन, देखिए हाई स्पीड ऑपरेशन कैसे हो जाएगा? हाई स्पीड कंट्रोल होगा लिखा हुआ। देखिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए जो है डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल करते हैं। हाई स्पीड का कोई मीनिंग है क्या? हाई स्पीड तो कब होगा? जब उसका हम फ्लिक फ्लक स्विकनिंग कंट्रोल कर दें तो हाई स्पीड हो जाएगा, समझ आ रहा है ना? तो इसलिए ये हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बाबू? डी नंबर। कोई तकलीफ है क्या बताइए? कोई दिक्कत हो मन में, कोई सवाल आए तो तुरंत पूछिए, ये नहीं सोचिए कि सर ऐसे खाली बताइए जा रहे हैं आगे। चलिए अगला कौन सा है हमारा? Which of the following is not the function of pole switch in the DC motor? ये बता दीजिए कौन सा होगा, बताइए तो कौन सा होगा? To reduce eddy current loss। ये होता है क्या? पोल सूज के बारे में पूछ रहा है बाबू। क्या है हमारा? Not function of pole switch in DC motor। बताइए कौन सा हो जाएगा इसका फंक्शन? देखिए हाँ, टू रिड्यूस एडी करेंट लॉस, यही इसका आंसर सही है ना। बाकी ऑप्शन देखिए, टू रिड्यूस रिलक्टेंस, ये होगा क्या? सही है ना? हा 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 हा, थोड़ा सा रुकिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। टेंशन का है का देने का बोलता है, टेंशन लेने का नहीं देने का। हमको इस टाइप के लोग से बड़ा डर लगता है। दीज टाइप्स ऑफ पर्सन आर वेरी इनसेंसिटिव, समझे? उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे कितना ही गलत क्यों नहीं हो रहा हो, वो तो देने के लिए है तो अच्छी बात है। तो ये तो बहुत डेंजर लोग होते हैं, समझे? इस तरह के लोग से बहुत इनसेंसिटिव टाइप का लोग होता है, समझना रहना। हाँ चलिए, हाँ तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि हमारा पोल सूज जो होता है, पोल सूज का मतलब है बेटा कि हमारा ये वाला पोर्शन, इसी को पोल सूज कहते हैं ना, ये पोल का सूज है इसी, हाँ जूता समझिए, पैर का जूता वाला, तो उसी तरह से ये पैर है, इसका ये जूता है, ठीक है? तो ये जो जूता है, ठीक है, मतलब कि सूज जो है, ये क्या करने के लिए है बाबू, ठीक है ना? अच्छा बताइए कि इसके इस इसके इसके इस क्षेत्र में जो होगा वो क्या होगा? रोटर होगा ना, रोटर होगा, और इसके चारों तरफ में क्या होगा? आपको ये पोल सूज आपका होगा, है ना? ये तो एगो है, अगर हमारा चार गो पोल होता तो इसके बाद फिर वो मिलता ना। तो देखिए पहला क्या हमारा,
रिड्यू इसको भी रहने दीजिए, ठीक ना। पहले हम इन तीनों को देख लेते हैं। पहला क्या है, टू रिड्यूस रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब क्या है कि हमारा एयर गैप को कम से कम कर दे। एयर गैप अगर कम से कम हो जाएगा तो आपका रिलक्टेंस क्या हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा और फ्लक्स आपका बढ़ जाएगा। तो आपको अगर ये ना बनाए होते बाबू, अगर ये ना बनाए होते तो हवा में चल जाता आपका, यहां से फ्लक्स ना खाली बाहर जाता। अभी क्या हो रहा है कि ये फ्लक्स आ रहा है और ये पूरे में स्प्रेड कर जा रहा है और स्प्रेड करके तब दे रहा है ना। तो पहला ऑप्शन बताइए, ये काम है कि नहीं पोल सूज का? अगर ये ना होता तो दिक्कत होता ना। तो पहला तो क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, टू स्प्रेड आउट फ्लक्स, क्लियर है ना। अगर ये खाली ये वाला रहता तो ये फ्लक्स खाली क्या होता है, इसी में आपका स्प्रेड करता है ना। और अगर ये पूरा बना दिए हैं तो यहां से लेके यहां तक फ्लक्स को क्या करेगा, स्प्रेड करके देगा आपको, देगा ना बाबू। इस पूरे से आपको फ्लक्स आएगा बाहर, पहले कितना से आता, खाली इतने से आता। चलिए तीसरा क्या है, टू सपोर्ट फील्ड कॉइल। अगर हमारा ये वाला ना होता बाबू तो थोड़ा सा ही डिस्टर्बेंस से ही वाला खुल के बाहर निकल जाता है ना। अगर ही इतना दूर से कट जाए बाबू तो कभी कभी जो है पैर में जो है कुछ कुछ जो पहना जाता है, पहन पाइएगा वो है। तो इसी वजह से ये आपका समझिए, जो भी पहना हुआ है ये आपको इस सूज की वजह से टिका हुआ है, उसको पकड़े हुए है, नहीं तो वो खुल के बाहर निकल जाता। तो ये क्या कर रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है। लेकिन लास्ट वाला पॉइंट जो है ये क्या है, टू रिड्यूस एडी करेंट लॉस। एडी करेंट लॉस रिड्यूस करने के लिए लेमिनेशन करते हैं ना कि पोल सूज यूज करते हैं। लेमिनेशन करेंगे तो एडी करेंट को लॉस को कम हो पाएगा। यहाँ क्या पोल सूज का